Today I will discuss about the geometrical isomerism coordination number 6. This is the last topic of geometrical isomerism and this is a case of unsymmetrical bidentate ligands. Okay, इसमें जो हमारे पास ligands होंगे वो unsymmetrical होंगे और bidentate ligands होंगे. इसमें सिर्फ आपके पास तीन केसेस हैं. पहला केस ये है कि आपके पास जो bidentate ligand है वो तीनों हों, तीन के तीन bidentate ligand है. ठीक है, ये लिखें ए बी का, ए और बी का मतलब ये है कि ये अनसिमेट्रिकल है. ठीक है, यानी ये सेम नहीं है. ओके, ये हो गया. अब हमने क्या करना है कि तीनों को सिस पोजीशन पे लगाना है. ठीक है, ये तो इसमें क्या पेयरिंग होगी, ए ए तो ए बी, सॉरी ए बी ए बी एंड बी ए या ए बी. ठीक है, एक ही बात है. अब क्या करते हैं हम, अब हम ए बी इसी तरह, और यहाँ पे ए बी था, मैं बी को इधर ले आती हूँ और ए को इधर ले जाती हूँ, और यहाँ पे बी उसी तरह रहने देते हैं हम. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ए ए और बी बी और ए बी. ठीक है, तो ये देखें इस केस में यही दो बनते हैं, इसमें दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं. ठीक है, तो इसमें से जब भी दो बन रहे होते हैं तो उसमें से एक सिस होता है यूजली और एक हमारे पास ट्रांस होता है. तो अब हम देखते हैं सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है. ट्रांस में मैंने आपको ये बताया था, हिंट दिया था कि उसमें सेम 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 होते हैं. देखें ए बी ए बी ए बी और इसमें ए ए बी बी ए बी. ये देखें कि तीनों सेम तो हैं यहाँ पे, ए बी ए बी ए बी. ठीक है, लेकिन इस केस में देखें ए ए ए ए ये ज़्यादा, मतलब ये सेम है, अंदर वाले एलिमेंट ही सेम है. जब अंदर वाले ही सेम होंगे तो उसको आपने ट्रांस कह देना है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट हैं ये तो ये हो जाएंगे आपके पास सिस. ठीक है, नाउ अब हम इसका सेकंड केस डिस्कस करते हैं. ठीक है, इसके अलावा आप और बनाने की ट्राई करेंगे तो वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे. तो इसका यही है कि जब आपके पास तीनों जो लिगेंड हो और वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट हो तो आपके पास दो ही आइसोमर बनेंगे. ठीक है, और ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये. फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये कह दिया जाए, ठीक है, ये एक एसीटेट लिगेंड होता है ना हमारे पास, तो ये तीन लगे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट होता है, तो आपने इसके दो आइसोमर बना देने हैं. अब इसका हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं. सेकंड केस इसमें क्या है कि आपके पास आप जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो आपके पास दो हो गए हैं. ठीक है, और जो अनसिमेट्रिकल और जो आपके पास ये मोनोडेंटेड लिगेंड आ गए अब दो आपके पास, तो इस केस में आपके पांच ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे. ठीक है, तो इनको ड्रा करते हैं हम ऐसे. पहले हम पांच बना लेते हैं. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाली सारी सीरीज़ को देखें, क्योंकि ये तो हमारे पास लास्ट लेक्चर है. ठीक है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी. ओके, सो हम क्या करेंगे कि ये जो हैं इनको इधर लगाएंगे पहले. ये जो मोनोडेंटेट है इसको तो सबसे पहले हम ट्रांस पे लगा लेंगे, और ये जो बाइडेंटेट है इसको हमने सिस पे लगा दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट केस में हम क्या कर देते हैं इसमें कि इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं. ठीक है, और बाकी उसी तरह. इसमें क्या होगा, ए बी ए बी और सी सी. ठीक है, और इस केस में क्या होगा, ए ए बी बी और सी सी. अब नेक्स्ट केस में क्या करते हैं कि हम इसको इधर रख लेते हैं और इसको इधर रख देते हैं. ठीक है, सिस पे रखा है ना. ठीक है, और ये सी सी इधर, तो इधर क्या होगा, ए सी
बीबी एसी, ये देखिए कोई भी आपस में मैच नहीं हो रहा। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके भी बिल्कुल इसी तरह की अरेंजमेंट हो, लेकिन नीचे वाली चीजें आपने ध्यान रखनी है कि वो सेम नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार ये चीजें रिपीट करती हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब फिर से इसी तरह की अरेंजमेंट रखते हैं जैसे इसकी है, लेकिन बी को इधर ले जाते हैं और ए को इधर ले जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और सी सी उसी तरह, तो इस केस में क्या बनेगा आपके पास, ए सी सी बी एंड ए बी, ठीक है। ऐसे ना ए सी सी बी या बी सी एक ही बात है, ए बी या बी ए, ठीक है। तो ये भी इनसे डिफरेंट है। अब एक लास्ट केस हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे ए यहाँ पे बी, ठीक है, और एक ए बी हम इधर रख देते हैं और यहाँ पे सी सी, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा ए ए बी सी, ए ए बी सी बी सी, ओके। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इसके बताएं कितने पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिस विल बी योर मेटल, दिस इज़ अ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड ए बी है, तो ये दो हैं, दो, ठीक है। और इसके लिए ये आगे डिफरेंट हो गया मोनोडेंटेट, तो इसके लिए सी, ए बी और सी, तो ये यही वाला केस है, ठीक है। तो इस केस में पांच बनते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, फाइव ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। अब इसका जो लास्ट केस है उस वो क्या है, उसमें ये है कि आपके पास इसी तरह मेटल है और उसके साथ इसी तरह दो मोनोडेंटेट, दो बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लगे हुए हैं, लेकिन इसमें जो मोनोडेंटेट थे वो दोनों सेम थे सी टू, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस केस में आपके पास बनेंगे छः, ठीक है। तो इन सिक्स को भी हम बनाने की ट्राई करते हैं। तो ये तो लास्ट केस है, इसको आप वैसे ही याद रख लें, सिक्स। इसी तरह ए बी, ठीक है, जैसे ऊपर किया ना वैसे कोशिश करते हैं, और ये जो मोनोडेंटेट है इनको मैंने ट्रांस पे लगा दिया, ओके। तो ये क्या होगा आपके पास, ए बी बी ए या ए बी और सी डी, ठीक है। अब इस केस में उसमें पांच बनते थे ऊपर वाले में, इसमें छह बनेंगे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, बी ए, ठीक है, क्या किया मैंने देखें ज़रा, सिर्फ बी को इधर ले गई और ए को नीचे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो ये आपके पास बनेगा ए ए सी डी बी बी, ठीक है, ये हो गया। और अब क्या करते हैं हम, उधर क्या किया था, ऐसे ए बी दोनों एक साइड पे ले आए बाइडेंटेट को, और यहाँ पे सी और डी, तो इसमें क्या बनेगा, ए डी बी बी और ए सी। साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेम तो नहीं है, ठीक है, ये तीन हो गए। अब हम फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ केस पे आते हैं, ठीक है। तो फोर वाले केस में हम क्या करेंगे, क्या किया था, इसी तरह था ना ये, इसकी तरह ही था, बस यहाँ पे पोजीशन चेंज की थी। तो इसमें भी ऐसे करके देख लेते हैं, ए बी और बी ए और सी और डी, ठीक है ना, यहाँ पे सी डी है, वहाँ पे सी सी था, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस केस में क्या हुआ, ए डी बी ए और बी सी, तो इस तरह का ए डी, और कोई केस नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चार इसके बन गए हैं, दो रह गए, वो भी बनाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इधर हम लगा देते हैं ए बी, ठीक है, और एक ए बी हम
इधर लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम सी डी लगा देते हैं। तो इधर हमारे पास जो केस बनेगा वो होगा ए ए बी बी और सी डी, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं था, तो ये एक आइसोमर बनाया। इसमें क्या किया कि इसमें इस तरह लगा दिया मैंने इनको सिस पोजीशन पे, और सी और डी को मैंने इस साइड पे लगा दिया है, तो इसका ये बना है और इसमें से कोई भी ये वाला केस नहीं है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक और बनना है, छः बनने हैं इसमें। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इधर मैं लगा देती हूँ ए बी, ठीक है, ऐसे ए बी, और इधर हम लगा देते हैं बी ए, ठीक है, ऐसे। ये मतलब अब मैंने पहले हम ए बी करते थे ना, अब मैंने दोनों को मतलब बी को इधर और ए को इधर, बी को उधर ए को इधर, और यहाँ पे सी डी करते थे तो डी सी, मतलब सारा ही मतलब थोड़ा उल्टा उल्टा कर दिया। तो अब क्या देखते हैं, अब बी सी ए ए और बी डी, तो ये देखें ये भी इनमें से कोई केस नहीं है, तो इसमें ये छः पॉसिबल है। तो ये आपसे एम सी क्यूज में पूछा जा सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह क्रोमियम आपके पास, और आपसे इसी तरह चलें ये ले लें और सी एल ले लें और बी आर ले लें, ठीक है। ये मैं सपोज करती हूँ, इसमें मैंने कोई नॉमन क्लेचर इस तरह की चीज़ों को फॉलो नहीं किया, ठीक है, बस बताने के लिए कि ये मेटल होगा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप, ये एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है और इसको हम सी कह देंगे, ये मोनोडेंटेट अकेला है, ये भी मोनोडेंटेट है और ये भी अकेला है, ये डिफरेंट हो जाएगा उससे। तो ये देखें, सॉरी ये दो होंगे और ये अगर दो होंगे तो इस तरह वाला केस बनेगा ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही आए, ठीक है, मैं ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। तो ये वाला केस है, तो आप इसमें फ़ौरन लिख देंगे कि आप पे छः आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।